हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए वापस से एक आरपीएससी का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों आपको पता है कि जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी की जो उपस्थिति है वो मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बताई है। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट की जो उपस्थिति है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्या रही है आज का फाइनल ये डेटा है। और दोस्तों साथ ही आप अपना जो कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो उसके आधार पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। और साथ ही दोस्तों ये जो वीडियो है उसको आपको अलग अलग जो ग्रुप है उनमें शेयर करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है। इससे आप अपने जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पर आप मैच कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैंने जो एनालिसिस कर रखा है वो मैं आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो कटिंग है वो आपके लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर उपस्थिति बताई गई है कैंडिडेट की, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो स्कल्पचर है उसकी कैंडिडेट की भी यहाँ पर उपस्थिति बताई गई है। अब दोस्तों इसके अलावा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसमें ये दो जो सब्जेक्ट है वो बता रहा हूँ, इसके बाद में बाकी के सारे सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हिंदी है उसकी 214 पोस्टें थी, और साथ ही दोस्तों इसमें 29,651 फॉर्म भरे गए थे। और दोस्तों इसमें 10,019 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो है उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 33.78% उपस्थिति रहा है, यानी कि दोस्तों एक पद पर 47 कैंडिडेट यहाँ पर बचे हैं। दोस्तों यहाँ पर 46 पॉइंट कुछ है जिसको मैंने राउंड फिगर में 47 लिखा हुआ है, और सभी जो विषय है उसमें मैंने यहाँ पर राउंड फिगर करके ही आपको बताया है। वहीं दोस्तों जो स्कल्पचर है उसके लिए 4 पोस्टें थी और 86 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे थे, जिसमें से 22 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है और 25.58% यहाँ पर इसकी उपस्थिति रही है। और यहाँ पर एक पद के लिए जो है 6 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी और जो स्कल्पचर का जो एग्ज़ाम है वो देख सकते हो कि इसमें कितनी उपस्थिति रही है और कितना यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो रहने वाला है। अब दोस्तों इसके अलावा जो सभी सब्जेक्ट हैं उनका वापस से एक बार आपको एनालिसिस यहाँ पर जो है करवा देता हूँ, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अखबार की कटिंग है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 70% जो कैंडिडेट है, यानी कि फॉर्म भरे थे 100% जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था उसमें से 70% कैंडिडेट यहाँ पर जो है उपस्थित नहीं हुए, यानी कि वो बाहर हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी भर्ती का जो औसत है वो निकाला गया, तो उसमें 100 कैंडिडेट एग्ज़ाम में यहाँ पर एक पद पर थे, जिसके मुकाबले अब 24 कैंडिडेट यहाँ पर रह गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। आर्ट हिस्ट्री में यहाँ पर जो है उपस्थिति जो है 81 कैंडिडेट की रही है, और फिलोसफी में 190 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, होम साइंस में 603 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, साइकोलॉजी में 12 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, और पीटीआई में 1338 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। लाइब्रेरियन में दोस्तों यहाँ पर 2486 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, सोशोलॉजी में 1165 ने, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 1593 कैंडिडेट ने, बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 1210 कैंडिडेट ने, अप्लाइड आर्ट में 44 कैंडिडेट ने, और जो EFM है उसमें 1223 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। साथ ही गणित में 1757 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, और केमिस्ट्री में 2776 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं। म्यूजिक वोकल में दोस्तों 249 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राजस्थानी है उसमें 251 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, और साथ ही दोस्तों उर्दू में 527 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि पहले मैंने यहाँ पर 254 कैंडिडेट बताए थे आपको उर्दू में, तो दोस्तों वो केवल अजमेर की उपस्थिति थी, उसमें जयपुर की जुड़ी हुई नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि उर्दू में 527 जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और ABST में यहाँ पर 2084 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो बॉटनी में 2098 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, और जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है उसमें 685 जो कैंडिडेट उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एक चीज़ दोस्तों आप देख सकते हो कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 पोस्ट है, तो दोस्तों ये 5 नहीं है, ये 35 पोस्ट हैं, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो आप इसको 35 पोस्टें कर ले, बाकी सारी पोस्टें सही है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कि जो फिजिक्स है उसमें 2608 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है यहाँ पर 626 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, संस्कृत में 2377 कैंडिडेट है, भूगोल में 8051 कैंडिडेट। इसी तरह आप दोस्तों देख सकते हो कि जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है और वो हिंदी है उनमें आप इनके जो कैंडिडेट की संख्या वो देख सकते हो। तो दोस्तों ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने फाइनली एग्ज़ाम दिया है। इससे दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपके यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो कितने एग्ज़ाम में बैठे हैं और कितने अनुपस्थित रहे हैं। यानी कि दोस्तों जैसे एक मैं आपको बता दूं, जैसे आर्ट हिस्ट्री है उसमें 2 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हुए थे, 1953 को बुलाया गया था, तो 81 ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल फॉर्म भरने वालों की उपस्थिति है और यहाँ पर एग्ज़ाम देने वालों की उपस्थिति है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 2 टाइपिंग एरर है वो मैंने आपको बता दिया कि उर्दू में यहाँ पर आपको
जो 254 सीटें थी उसको 527 मानना है, और यहाँ पर जो चित्रकला उसमें आपको 35 सीटें माननी है। और बाकी दोस्तों ये सारा सही है, इसे आप आज के जो अखबार आया है अजमेर डिस्ट्रिक्ट का उससे डाउनलोड करके देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों ये चैनल है उसे सब्सक्राइब करें।